इस बार जब मैं मन की बात को लेकर आप लोगों के सुझाव देख रहा था तो मुझे पुडुचेरी से श्री मनीष महापात्र की एक बहुत ही रोचक टिप्पणी देखने को मिली। उन्होंने माय गॉव पर लिखा है, कृपया आप मन की बात में इस बारे में बात कीजिए कि कैसे भारत की जनजातियां उनके रीति रिवाज और परंपराएं प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे उनके ट्रेडिशंस को हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है, उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। मनीष जी, इस विषय को मन की बात के श्रोताओं के बीच रखने के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। यह एक ऐसा विषय है जो हमें अपने गौरवपूर्ण अतीत और संस्कृति की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। आज सारा विश्व, विशेष रूप से पश्चिम के देश, पर्यावरण संरक्षण की चर्चा कर रहे हैं और संतुलित जीवन शैली, बैलेंस लाइफ के लिए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। वैसे आज हमारा भारतवर्ष भी इस समस्या से अछूता नहीं है, लेकिन इसके हल के लिए हमें बस अपने भीतर झांकना है, अपने समृद्ध इतिहास, परंपराओं को देखना है और खासकर अपने जनजातीय समुदायों की जीवन शैली को समझना है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर के रहना हमारे आदिवासी समुदायों की संस्कृति में शामिल रहा है। हमारे आदिवासी भाई बहन पेड़ पौधों और फूलों की पूजा देवी देवताओं की तरह करते हैं। मध्य भारत की भील जनजाति में, विशेषकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, लोग पीपल और अर्जुन जैसे पेड़ों की श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। राजस्थान जैसी मरुभूमि में बिश्नोई समाज ने पर्यावरण संरक्षण का रास्ता हमें दिखाया है, खासतौर से वृक्षों के संरक्षण के संदर्भ में। उन्हें अपने जीवन का त्याग करना मंजूर है, लेकिन एक भी पेड़ का नुकसान पहुंचे ये उन्हें स्वीकार नहीं। अरुणाचल के मिसमिस बाघों के साथ खुद का रिश्ता होने का दावा करते हैं, उन्हें वो अपना भाई बहन तक मानते हैं। नागालैंड में भी बाघों को वनों के रक्षक के रूप में देखा जाता है। महाराष्ट्र के वर्ली समुदाय के लोग बाघ को अतिथि मानते हैं, उनके लिए बाघों की मौजूदगी समृद्धि लाने वाली होती है। मध्य भारत के कोल समुदाय के बीच एक मान्यता है कि उनका खुद का भाग्य बाघों से जुड़ा है, अगर बाघों को निवाला नहीं मिला तो गांव वालों को भी भूखा रहना पड़ेगा, ऐसी उनकी श्रद्धा है। मध्य भारत की गौंड जनजाति ब्रीडिंग सीजन में कैथन नदी के कुछ हिस्सों में मछली पकड़ना बंद कर देते हैं, इन क्षेत्रों को वो मछलियों का आश्रय स्थान मानते हैं। इसी प्रथा के चलते उन्हें स्वस्थ और भरपूर मात्रा में मछलियां मिलती हैं। आदिवासी समुदाय अपने घरों को नेचुरल मटेरियल से बनाते हैं, यह मजबूत होने के साथ साथ पर्यावरण के अनुकूल भी होते हैं। दक्षिण भारत के नीलगिरी पठार के एकांत क्षेत्रों में एक छोटा घुमन समुदाय तोड़ा पारंपरिक तौर पर उनकी बस्तियां स्थानीय स्तर पर उपलब्ध चीजों से ही बनी होती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सच है कि आदिवासी समुदाय बहुत शांतिपूर्ण और आपस में मेल जोल के साथ रहने में विश्वास रखता है, पर जब कोई उनके प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान कर रहा हो तो वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने से डरते भी नहीं हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे सबसे पहले स्वतंत्र सेनानियों में आदिवासी समुदाय के लोग ही थे। भगवान बिरसा मुंडा को कौन भूल सकता है, जिन्होंने अपनी वन्य भूमि की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। मैंने जो भी बातें कही हैं उनकी सूची काफी लंबी है। आदिवासी समुदाय के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर कैसे रहा जाता है। और आज हमारे पास जो जंगलों की संपदा बची है, इसके लिए देश हमारे आदिवासियों को ऋणी है। आइए हम उनके प्रति आदर भाव व्यक्त करें।